बीपीटी का प्रूफ है आपको, और एक है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, अदरवाइज बाकी सारे थ्योरम्स के रिजल्ट हैं, और बाकी जो आपकी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस के रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए कि उनमें से कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाएगी और कौन सी ऑप्शन ट्रू है, आपने ये बताना होगा। ठीक है, तो पहले बीपीटी का कन्वर्स देख लो। आपको ये बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल का नेम एबीसी है, ये डीई है, अगर एक लाइन ड्रॉ करी डीई, ये जो लाइन है ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल के, और ये थर्ड साइड के पैरलर है। अगर ये थर्ड साइड के पैरलर है तो ये रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये बताया था। ठीक, अब इसका एक मीनिंग और भी निकलता है। जैसे मैंने आपको बोला एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, अगर आप इस चैप्टर में ध्यान से सुनते हो ना तो आपको रिजल्ट यहीं पे लर्न हो जाएंगे। आपने वही करना है, एक ही काम है आपको। मेन काम इस चैप्टर में ये है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हर एक्सरसाइज में कम से कम 10 क्वेश्चंस तो है ही है, कईयों में 14 भी हैं, कईयों में इससे भी ज्यादा भी हैं, तो आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है। तो देखा जाए इन टोटल आपके पास नियरली 50 क्वेश्चंस है जिनकी स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए। ये तो अभी हम बुक की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है वो काम अलग है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा तो तब होगा जब आपको अपनी बुक में से कुछ आता होगा। तो मेन आपका सबसे पहला काम यही है, कल से बाहर रहना मेरे आने से, के बाद आए ना बाहर रहना, अंदर आना ही मत, पूछना भी मत। चल, गए क्यों? अच्छा, तब मेरा नेक्स्ट पीरियड मेरे से, मेरा है मेरे से पूछना है, मैम के पीरियड में थोड़ी गए थे आप। हाँ जी, अब देखो इधर, हाफ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हाफ का मतलब ये नहीं है कि इसकी रेशियो 1:1 है। हाफ तब होता है जब ये डी और ई क्या बन जाए, मिड पॉइंट, जो कि गिवन नहीं है। अब इसका मीनिंग 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, ये नहीं पता। ठीक है, अगर ये कहा हो इक्वली डिवाइड करता है तो ही मिड पॉइंट दिया हो तो ही लेना है हाफ ऑफ, नो बाहर रहो। ठीक है, अब इसका मीनिंग एक और भी है, एडी, जैसे ये एडी अपॉन बी डी है, इसका मीनिंग एक और भी है, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। ये कैसे है, इसका तरीका है ये, आपको मैंने कहीं पे करवाया भी था, ये +1 करके एलसीएम लेके, पता नहीं कौन, शायद उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, करवाया था, याद है, एक लाइन दे रखी थी ए बी, उस पे पी पॉइंट दे रखा था, और एपी अपॉन ए बी की 3/7 दे रखा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे रेसिप्रोकल करके 1 माइनस किया था वहां, यहाँ पे पूरा दे रखा है फुल, रिड्यूस करना है तो माइनस करेंगे, यहाँ हाफ दे रखा है, हाफ मतलब पार्ट्स दे रखे हैं, कंप्लीट बनाना है तो +1 करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो इधर, अब +1 करने का भी मेथड है, ये नहीं कि जैसे लिखा है उसको वैसे ही +1 कर दो, नहीं हो पाएगा। देखो करके दिखा देते हैं आपको, एडी अपॉन, मैं इसमें +1 करने जा रही हूं क्योंकि रिजल्ट ये है, ये फॉर्म करना है, कैसे, एडी अपॉन बी डी है, इस साइड पे ए अपॉन ई सी है, दोनों साइड पे +1 कर दिया, एलसीएम लो, एडी +BD अपॉन बी डी, और इस साइड पे आएगा ए +EC अपॉन ई सी, इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया, ये आ गया। अब यहां देखो, चाहिए क्या था, AD अपॉन AB, आ क्या रहा है, AB अपॉन BD, चाहिए AD था, आ BD रहा है, इसका मतलब रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करना था। ठीक है, अब सुनो इसका मेथड कैसे है, आपको ये दे रखा है, आपको AD और AD फिक्स चाहिए, मतलब यहाँ AD था यहाँ पर भी AD चाहिए, तो जिसको फिक्स करना है ना उसको पहले डिनोमिनेटर में ले आओ। आप बात समझ रहे हो, जिसको आप लेके आना चाहते हो, जैसे आप AD को लाना चाहते हो आंसर में, तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो फिर 1 ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा, आंसर में AD सेम रहेगा, दूसरी टर्म चेंज हो जाएगी। क्लियर है, अभी हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, डायरेक्टली ऐड किया, उससे क्या हुआ कि आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा,
आपको कुछ और ही मिलने लग गया, आपको कंप्लीट लाइन मिल रही है अपॉन बीडी मिल रहा है, लेकिन चाहिए तो एडी था। ठीक है, तो जो चाहिए उसे फिक्स करना है, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, फिर वन ऐड कर दो, और फिर आंसर जब आ जाएगा फिर रेसिप्रोकल वापस कर देना। ठीक है, सुनो कैसे, ये अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ, उसके बाद आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो इधर, इसका पहले रेसिप्रोकल करो, बी डी अपॉन ए डी ई सी अपॉन ए, रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों तरफ वन ऐड करना है। वन ऐड इस तरफ कर लो या इस तरफ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में जरूर ध्यान देना होता है। ठीक है, अभी वन ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, एलसीएम ले लो, ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए, दोनों को ऐड करके क्या आएगा? ये तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? जोक सुना रही हूँ मैं यहाँ पे, इधर से यही हंस रहे हैं, इधर बीच में से ही हंसी की आवाज आ रही है, ये अरमान था ना, ये भी था का मतलब है तू पहले था, है ना। ए सी अपॉन ए आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए डी, यहां पर था, यहां पर भी चाहिए था, ये आ गया रेसिप्रोकल। पहले रेसिप्रोकल करना है इसलिए ताकि जो टर्म चाहिए वो चेंज ना हो जाए, फिर रेसिप्रोकल दोबारा कर दिया ताकि आंसर पे आ जाए। आपको बात समझ आ गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, आपके इसमें रिमार्क में गिवन भी है कि वन प्लस कैसे करना है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको कोई चीज चाहिए, अब ये, अब एक बात सुनो, हो सकता है बीपीटी का रिजल्ट ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, एक ही बात है। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में, सपोज एग्जांपल देखो, आपकी एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 3.1 ऐसे कुछ भी जो भी है, मैं वैसे लिख रही हुई दिया हुआ ऐसे, या एक मिसिंग है समझ लो, तो लाइन इसके क्या है, पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो क्या होगी, सेम, तो 3.1 अपॉन 3.6 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब एक और मीनिंग भी है इसका, मैंने इसको अपॉन में लिया, हम चाहते तो ऐसे भी तो कर सकते थे, 3.1 अपॉन 6.7 इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.5 प्लस एक्स, मतलब ये वाला रिजल्ट भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते, ये डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। अगर आपको कहे पूरी लेंथ निकालो तो आप ये अपॉन पूरी लेंथ लगा देना, ये पूरी लेंथ कहे तो 1.5 अपॉन टोटल लगा देना, ऐसे भी हो सकता है BD अपॉन टोटल EC अपॉन टोटल, जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं AD के साथ ही लेना है, आप नीचे वाली साइड के साथ भी रेशियो ले सकते हो। इधर आओ दोनों, यहां सामने आओ, इधर सामने, और कहां, इतना भी सामने नहीं, कहां, गेट के पास खड़े हो, वहां डोर के पास, एक उधर चले जाओ, एक तो यही रहे, थ्योरम के साथ लिख लो। आपको बैठने का नहीं पता, इधर हो,
पूरा दे रखा हो तो माइनस करके निकलेगा, हाँ छोटे वाला दे रखा है तो प्लस करके निकलेगा। ये देखो इधर, अगर ये रिजल्ट दे रखा हो ये बनाना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 करेंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, जिसको फिक्स करना है उसको पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर माइनस प्लस जो भी करना है करना, सीधा मत करना गलत हो जाएगा। ए बी और बी डी इक्वल है, क्यों इक्वल है? इक्वल तो तब होते, मैंने कब कहा इक्वल है, वो रेशियो इक्वल है दोनों की। रेशियो और इक्वालिटी में फर्क नहीं है, अगर रेशियो और इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है फिर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में भी कोई फर्क नहीं है। फिर तो कॉन्ग्रेंसी में हम इक्वल करते हैं, यहाँ रेशियो लेते हैं तो बहुत फर्क है। रेशियो हो सकता है 3:7, 2:5, कुछ भी हो सकती है, ये तो नहीं पता कि इक्वल है। कर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, 1 में से माइनस करना है, ठीक है, 1 में से करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो 1 है, 1 का मतलब क्या है, AB अपॉन AB, तो वो बड़ा है, AB चीज बड़ी है ना, जिसको आप डिनोमिनेटर में लोगे वो अपॉन वो आएगा। जैसे सपोज करो, मैं आपको ये सपोज करो 2/3 है, और जो यहाँ 1 लिखोगे उसका मतलब क्या है, 3/3, तो ऑब्वियसली 3/3 बड़ा है, तो इसलिए 1 में से माइनस करते हैं। तब मैंने करवाई भी थी ये चीज, आपको बताई थी। अब सुनो, ये जो बीपीटी थ्योरम करी है उसके 3 रिजल्ट है, लिख लिए। अब इसका कन्वर्स देखो, बीपीटी थ्योरम कब लगती है, जब लाइन पैरलर हो। जब लाइन पैरलर है तो रेशियो सेम आती है, और जब रेशियो इक्वल होती है तो लाइन, यही कन्वर्स है, ये भी बताया था मैंने उस दिन। अब जिस क्वेश्चन में लाइन पैरलर होगी वहां ये रेशियो क्या होगी, सेम, ठीक है। तो पूरी सेकंड एक्सरसाइज में ये बार बार आएगा, ये पैरलर है, जहां पैरलर आए वहां बीपीटी लगा देंगे, बस रेशियो सेम लिख देंगे। अब एक और बात, अगर रेशियो सेम है, ये अपॉन ये, ए बी सी डी ई, अगर रेशियो ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी के सेम है, या दूसरी रेशियो भी तो कह सकते हैं वो वाली, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी की रेशियो सेम है, तो लाइन इसके क्या होगी, पैरलर, ठीक है। तो ये कन्वर्स है बीपीटी का, क्लियर है। रेशियो पैरलर है तो बीपीटी लगा देना, साइड पैरलर है तो रेशियो इक्वल आ जाएगी, रेशियो इक्वल है तो साइड पैरलर हो जाएगी, तो ये दोनों रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इधर एक एग्जाम्पल सा दिया हुआ है, वो मैं वैसे ही ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। ये देखो इधर, ऐसे एक लाइन दे रखी है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। ये B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, ठीक है। कहता है इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब अगर ये लाइन ज्वाइन कर दी और ये लाइन इसके क्या है, पैरलल, ये दिया हुआ है, अगर लाइन पैरलल है तो रेशियो इक्वल होंगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट B है तो रेशियो क्या इक्वल होगी, B B1, मतलब इसकी भी ले सकते हो, इसकी अपॉन ये वाली रेशियो भी ले सकते हो, B B3 भी ले सकते हो, B B4 भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये बुक में लिखा हुआ है, देखो ये दिया हुआ है पेज नंबर 125 पे, देखो रीड करो, कोई भी ले सकते हो आप। बी बी मैंने B1 लिखा, आप B1 के साथ B4 लिख दो, इस साइड पे आ जाएगा AB1, सॉरी BA1, और यहाँ आ जाएगा A1 A4, ऐसे कोई भी आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, पार्ट्स गिन भी सकते हो आप। ये कितने पार्ट है, 1 2 3 4, तो ये पार्ट क्या हो गया, 1, ये टोटल, ये वाला कितना हो गया, ये पार्ट कितने हैं, 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं, B B2 B2 B4, BA2 और A2 A4, क्या रेशियो आएगी, पार्ट्स काउंट करो, 2/2/4 थोड़ी होगा, 2/2 2/2, ये 1 पार्ट है, ये 2, तो ये 2 पार्ट्स हो गए, ये भी 2 हो गए, तो ये 2/2 आ गया, मतलब
मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, 1:1, मतलब ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे कोई भी हो सकता है इसमें, ये ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या हुआ मानी, क्या हुआ, वन ही है शायद, इसके बाद ही 125 के बाद जो दिया हुआ। ये गर्ल्स चुप क्यों नहीं हो रही है, देखो इधर, ये मैं करवा चुकी हूँ वैसे, ये वही है, फिर से देख लो एक बार, मैं बता, मैं सिर्फ वैसे ही बता रही हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ए बी सी ये डी ई गिवन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, डी ई इसके पैरलर है, जब पैरलर होता है तो क्या होता है, रेशियो इक्वल होती है बाय बीपीटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहता है ए डी अपॉन ए बी जो है वो ए ई अपॉन ए सी के इक्वल है, ये कौन सा रिजल्ट है, ये कौन सा रिजल्ट है जो अभी प्रूव किया था प्लस वन करके, ये वही रिजल्ट है। ठीक है, ये कहाँ से आया था रिजल्ट, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे ए डी को फिक्स करना है, ये फिक्स है यहाँ पर, ये चाहिए आपको, तो पहले इसका रेसिप्रोकल, फिर प्लस वन, फिर एलसीएम लेके जो आंसर आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाना है, तो वही आंसर आ जाएगा, वही है रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास एक ट्रेपीजियम गिवन है। अब ट्रेपीजियम गिवन है इसमें ए बी सी डी, अगर ट्रेपीजियम गिवन है तो ये साइड इसके पैरेलल, यहां पे एक साइड है ई एफ, जो ये ई एफ साइड है ये एक साइड के पैरेलल गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ जो है इसके पैरेलल है, इसका मतलब तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या करना है, यहां पर कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको ज्वाइन करना है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है, हाँ जी ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि जो बीपीटी थ्योरम है वो ट्रायंगल में लगती है, ये ट्रेपीजियम है इसमें नहीं लग सकती, इसलिए जो जो भी क्वाड्रिलेटरल टाइप का है इसे डिवाइड कर दिए ताकि दो ट्रायंगल फ्रेम हो जाए, और जब तक ट्रायंगल नहीं होगा तब तक बीपीटी नहीं लगेगी, मत करो, रख दो इसे, रख दो खुशी, नीचे रखो बॉटल। अब देखो इधर, अगर ये साइड इसके पैरलर है तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, अब एक ट्रायंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है इस तरफ, ये साइड इसके पैरलर, तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल। अब रेशियो ध्यान से लिखनी है, अगर आप यहां से लिखते हो तो साइड रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि तो आप यहां से ए अपॉन ई डी लिख रहे हो, और अगर आप यहां से लिखते हो सी एफ अपॉन बी एफ, ये साइड रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां से भी लिख सकते हो रेशियो, रेशियो ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑर्डर है, यहां से स्टार्ट कर रही है, और जब आप इधर से लिखोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसलिए आपने ऑर्डर यहीं से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि बीपीटी ऐसे ही लगनी है, ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है, तब भी तो लग सकती है, तो यहाँ ट्रायंगल रिवर्स है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन, दोनों दोनों रेशियोस को कंपेयर करो। अब सारे क्वेश्चन में यही है जो ये कर रहे हो ना आप, पूरी एक्सरसाइज में यही है, दो दो रेशियो लिखोगे कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा, बस इतना ही काम है, बस इस एक्सरसाइज में, आगे बहुत काम है। ठीक है, ये सेम है, कट गए, सेम कट गए नहीं गए, मतलब कंपेयर कर रहे हैं दोनों की, इसकी राइट और इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो ये वाली दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, यही लाना था आंसर। एक्चुअली लाना क्या था कि इसकी रेशियो और इसकी रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम करने के लिए बीपीटी लगानी थी, बीपीटी के लिए ट्रायंगल चाहिए था, इसलिए डिवाइड कर दिया, अदरवाइज हो नहीं सकता था पॉसिबल। ठीक है, हाँ
कट नहीं गए, मैंने कहा दोनों की राइट और लेफ्ट साइड इक्वल है, ठीक है, क्लियर है, मतलब तीनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिया, ये साइड इसके इक्वल है, ये रेशियो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब सारी आपस में क्या हो गई इक्वल, तो ये चाहिए नहीं इसलिए मैंने हटा दिया, ये चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है, देखो इधर इस क्वेश्चन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, अब थोड़ा सा यहां से चेंज हो रहा है, ये एंगल इक्वल गिवन है, और क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है आपको, रेशियो गिवन है, जब रेशियो इक्वल होती है तो साइड्स पैरेलल होती है, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीडी, ठीक है, रेशियो गिवन है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये रेशियो इक्वल गिवन है, अगर रेशियो गिवन है इक्वल तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड के पैरलर, इसका मतलब एस टी जो है पैरलर है क्यू आर। अब सुनो इधर करना क्या है, एक्चुअली ये शो करना है कि जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस मतलब इसकी दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके बेस एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब साइड इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट नहीं है कोई भी, इक्वालिटी कब होती है, कॉन्ग्रेंसी में इक्वालिटी नहीं प्रूव हो सकती, साइड्स की इक्वालिटी नहीं प्रूव हो सकती, लेकिन एंगल तो इक्वल प्रूव हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में एंगल्स जो है इक्वल होते हैं, कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर 180 होता है, मतलब पैरेलल लाइन का जहां भी कंसेप्ट आएगा वहां एंगल्स का कंसेप्ट आएगा, साइड का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो साइड के लिए आपको एंगल प्रूव करना पड़ेगा, और अगर आप चाहो कि डायरेक्ट साइड हो जाए तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वालिटी का साइन तब आता है जब कॉन्ग्रेंसी होती है, वो है नहीं, तो इसलिए एंगल ही करना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो ये साइड इसके पैरेलल हो गई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गए, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वन टू के इक्वल है, वन थ्री के इक्वल है, वन टू के इक्वल, वन थ्री के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, टू और थ्री इक्वल हो गए, बेस एंगल इक्वल है, तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, कौन से ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव किया दिविता हमने, आइसोसेलेस किसको प्रूव किया, ये कौन से बेस एंगल किस ट्राइंगल के हैं, पी क्यू आर के, आप इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस कर, इसको कर सकते हो आइसोसेलेस छोटे वाले ट्राइंगल को, कर सकते हो, कर सकते हो ना, ये देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये तीनों इक्वल थे तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, तो छोटे ट्राइंगल भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, अब ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, जो थ्योरम लगनी है वो मैंने आपको बता दी है, सारे क्वेश्चन में एक ही थ्योरम अप्लाई हो रही है, करो स्टार्ट, जान भी आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी, नहीं नहीं बिल्कुल यहाँ पे आओ, इजी है, मैं हेल्प करूंगी, आ जाओ आप, सहज थ्योरम का नेम क्या है, फुल नेम क्या है, सक्षम फुल नेम, आवाज कहाँ गई, इसको बता, ठीक है, एक और नेम भी है, क्या नेम है जयादित्य, थेल्स थ्योरम, ठीक है। हाँ जी केशव, रिजल्ट बोलना जरा बीपीटी का, नहीं मैंने पूछा बीपीटी रिजल्ट बोलो, क्या रिजल्ट है, ये नो डिस्कशन, क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी, सिंपल लैंग्वेज में बताओ जो बोला है,
बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, क्या रिजल्ट क्या आ रहा है उससे? इस वाले ट्रायंगल में मैंने पूछा है, मैंने पूछा है बीपीटी का मीनिंग क्या है, हम कर रहे हैं, बोलो आप। ये मास नीचे करो जरा, बोलो आप। हाँ, रेशियो सेम कब होती है? जब मिडल वाली साइड थर्ड साइड के पैरलर होती है, तो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग जो इधर साइड्स है जो डिवाइड हो रही है उनकी सेम होगी, जो इंटरसेक्ट हो रही है उनकी रेशियो सेम होगी। लास्ट नेम क्या आपका? प्रभनू। हाँ जी, कन्वर्स बोलो बीपीटी का, कन्वर्स के क्वेश्चन करो। साइड्स पैरेलल, रेशियो जब इक्वल है तो साइड पैरलर है, थर्ड साइड के पैरलर, जो मिडल वाली लाइन है वो थर्ड साइड के पैरलर है। रिजल्ट एज इट इज लर्न करने हैं, कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए थ्योरम में, सुन रहे हो? सकता है थ्योरम का रिजल्ट ही एज इट इज आ जाए और एक आधा वर्ड चेंज किया हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। लर्न कर लेना रिजल्ट, थ्योरम के सारी स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई वर्ड चेंज नहीं करना, लर्न करनी है। बीपीटी का रिजल्ट कल लर्न करके आना, उसका कन्वर्स भी लिखा हुआ है बुक में, देखो। कौन कह रहा था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात करो, करा वो, यही बहुत है। हाँ हाँ क्वेश्चन करते जाओ, सेम है, आपने करनी है ये पूरी एक्सरसाइज, आप ही करोगे और एक स्टूडेंट यहां करेगा, उससे आप अपना आंसर टैली कर लेना। अदिति आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, मुझसे पूछो क्या पूछना है, क्या 1.5 ही लिखा है, डेसिमल रिमूव करके जीरो लग जाएगा, 30/15 हो जाएगा, 15 × 2 = 30, ठीक है, ठीक है, जाओ। डेसिमल थोड़ा डार्क करो, नजर नहीं आ रहा, सारी जगह डेसिमल डार्क कर दो, रब कर दो सारा, ये रब करो। आप क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखो ऊपर, आपने लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में जो डिटेल गिवन है ट्रांसफर परफॉर्म करना, अगर रेशियो सेम है तो साइड पैरलर है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और अगर रेशियो सेम नहीं है तो साइड पैरलर नहीं है। ट्रायंगल आपने खुद फॉर्म करना है, एक ही ट्रायंगल है तीनों के बीच, तीनों पार्ट्स हैं, पार्ट ही हमें एक ही। फर्स्ट पार्ट कर लिया,
रोल नंबर 6, 24, 30, 6, 24, 30, 32, 38, 35, 21, 22. इधर अच्छे से और ये इधर सेंटर में बनाओ बच्चे, इतना विजिबल नहीं है, इधर आना, इसको अप करो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में ये रेशो लिख रहे हैं, रेशो आपने चेक करनी, तीन है या नहीं, तो आप पहले इक्वल मत लिखना क्योंकि तो आपको पता नहीं ना इक्वल आएगी कि नहीं, सेपरेटली सॉल्व कर लेना, अगर इक्वल आएगी तो इक्वल डाल देना, नहीं आएगी तो नॉट इक्वल, अगर रेशो इक्वल है तो साइड पैरेलल और रेशो इक्वल नहीं है तो साइड जो है वो नॉट पैरेलल, इसमें लाइन डालो। हाँ डेसिमल करते हैं तो 0.40 बनाओ, अपने आप हो जाएगा, देखने से चलो फाइव से कटिंग। साइन डाल दो, साइन डाल दो, देखो क्या लिखो, रेशियो जो है नॉट इक्वल है।
Thank you.